सही, मेरे पास सबूत है। अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद ही तो ये बात पता चल पाई है कि मेरा विनायक ही हमारा भीम है। बाबा, आप मेरे बारे में बात कर रहे हो? हाँ बड़ा, हाँ बाबा, आप ही के बारे में बात कर रहे थे। क्यों डॉक्टर आंटी, आप इतनी खुश लगी हो, कोई गुड न्यूज है क्या? हाँ बड़ा, आज मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गुड न्यूज मिली है, सबसे बड़ी गुड न्यूज। गुड न्यूज क्या है? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन आप पहले बताओ मेरा बहादुर बेटा कैसा है? बेटा? आपने मुझे बेटा बोला, मतलब मैं आपको छोटी मामा बुला सकता हूँ? छोटी मामा नहीं, आप मुझे आई बुला सकते हो। आई? बड़ा आप समझ नहीं रहे हो, मैं आपके असली आई हूँ। अब मेरे बेटे हो, अब मेरा हटो मेरे बेटे। सब क्या कह रही हो? आप मेरी आई हो और वो मेरे असली मामा है? वही वेनू है जिसे तुमने 9 महीनों तक अपनी कोख में पाला था। ये हमारा वेनू है, हमारा वेनू कभी मरा ही नहीं था, हमारे पास ही था, हमारे साथ था। ये बताने के लिए कि ये हमारा बेटा, ये वही विनू है। तकदीर ने मेरी कोख सूनी कर दी, लेकिन जिस बच्चे को मैंने अपनी कोख से जन्म दिया था उसे वापस लौटा दिया। मेरे पास ही था, मेरे पास ही मेरा विनू, मेरा बच्चा। मिसेस सवार, हाँ ये सच है कि वेनू को 9 महीने आपने अपने कोख में पाला है, लेकिन ये भी सच है कि वेनू मेरा बेटा है, मेरा और विराट का बेटा। वेनू मेरा बच्चा है। तुम्हारा बच्चा मतलब? ये मेरा वेनू है, मेरे पास ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। अपने अतीत की हुई गलतियों से हमें सीख लेनी चाहिए। आपने पहले भी यही गलती करी थी, आपने कुछ ऐसा कहा था जिसकी वजह से मैं गुस्से में वेनू को घर से लेकर चली गई थी, और उसका अंजाम हम सबके सामने है। लेकिन वेनू मेरा बेटा है, वो मेरे साथ रहेगा। तुम्हें सच दिखाई क्यों नहीं देता? सही, मेरी तकलीफ, मेरी कुर्बानी, इन सबसे तो हमेशा नजर क्यों फेर लेती हो? मैंने वेनू को 9 महीने अपनी कोख में पाला है, मेरे पास अपनी कोख भी नहीं रही। मैं कभी मां ही नहीं बन सकती। तुम्हारे पास तो सभी है ना, और सभी तुम्हारी और विराट की बेटी, और वीनू, वीनू मेरा और विराट का बेटा है, तो इसे प्लीज हमारे पास रहने दो, कि मेरे पास रहेगा। हरगिज नहीं, वीनू मेरा बेटा है, मेरे पास रहेगा। विराट, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इससे कहो ना कि ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मुझसे मेरे बेटे को नहीं छीन सकती। मीनू, थोड़ी देर के लिए बाहर वेट करो, मैं भी आता हूं। ठीक है, बाहर वेट करो। विराट, आपने पहले भी सही का साथ नहीं दिया था, कम से कम अब सही का साथ दीजिए। आपको अच्छी तरीके से पता है वीनू मेरा बेटा है, मुझे मेरा बेटा लौटाइए। विराट, मिसेस सवान को समझाइए।
देखो बाकी कायदे से विनू सही का ही बेटा है। नहीं विराट, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या कुछ नहीं किया है मैंने, क्या नहीं झेला है मैंने। मैं अभी जिंदगी और मौत की जंग से उठी हूं और तुम अभी सही का साथ दे रहे हो। मैं अपने कोख गवा चुकी हूं, उसका मतलब समझते हो ना क्या होता है। जिंदगी में अब मैं कभी मां नहीं बन सकती और तुम मुझसे मेरा ही बेटा छीन रहे हो। वीनू मेरा बेटा है विराट, मैंने उसे जन्म दिया है, मैंने पाला है उसे, तुम मुझसे मेरा बेटा कैसे छीन सकते हो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते विराट, तुम बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। भाई प्लीज शांत हो जाओ, मेरी बात शांति से सुनो। देखो मैं तुमसे बस जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, और सच यही है कि वीनू सही और मेरा बेटा है, तो सही का पूरा हक बनता है उसे अपने पास रखने का। नहीं, सच सिर्फ इतना है कि वीनू मेरा बेटा है, वो मेरे पास ही रहेगा। और अगर किसी ने भी उसे मुझे दूर करने की कोशिश की ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वीनू के सिवा मेरी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं, जो मेरा अपना हो। मैं वीनू के बिना जी नहीं पाऊंगी विराट, तुम प्लीज मुझसे रिश्ता मत छीनो, प्लीज ऐसा मत करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मैं सच में मर जाऊंगी। बाकी क्या बोल रहे हो तुम, प्लीज ये बकवास करना बंद करो और ये सब बातें मत बोलो। ये सब बातें नहीं है विराट, और ना ही मेरी धमकी, मैंने वही बताया है तुम्हें जो मैं करूंगी। तुम यकीन नहीं हो रहा ना, अभी मैं तुम्हें साबित करके दिखाती हूँ, छोड़ो मुझे। बाकी 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 हुई विराट पर बहुत ज़्यादा गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, टीवी सीरियल गुमक इसके प्यार में का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, जहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है कि पाकी विराट पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि तुमने मेरा ऑपरेशन क्यों कराया। तो क्या होगा आने वाले एपिसोड में, प्रिया कमेंट में लिखकर जरूर बताना। और चैनल पर पहली बार आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।